हेलो फ्रेंड्स, इंडियन रूमा किचन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की बाजार जैसी सब्ज़ी। जैसे पुराने दिल्ली में हलवाई बनाते हैं, बस वही सब्ज़ी हम बनाने जा रहे हैं। और इसके इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हैं, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। तो चलिए झटपट सब्ज़ी की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हमारे को चाहिए सरसों का तेल। जी हाँ, इसके लिए सरसों का तेल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरसों के तेल से ना एक अलग ही खुशबू आती है इसकी। तो बस मैंने एक पैन ले लिया और उसके अंदर सरसों का तेल डाला, और जब वो गर्म हो गया अच्छे से तो मैंने इसके अंदर हींग डाली, दाना मेथी डाली, ज़ीरा डाला, सौंफ डाली और साबुत धनिया डाला। और बस डालने के बाद मैंने फटाफट उसके अंदर हल्दी डाल दी, लाल मिर्च डाल दी, हरी मिर्ची डाल दी हैं। और बस अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी नमक के साथ, कि जिससे कि मेरा मसाला जले ना। आपने देखा होगा कि मैंने किसी भी धनिया पाउडर या लहसुन या अदरक किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया है। तो ये बहुत झटपट बनने वाली सब्ज़ी है और इतनी अच्छी बनती है ना ये चटनी, कि बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा आप हलवाई के हाथ की खा रहे हैं। और ये जो मैंने थोड़ी सी इसके अंदर कसूरी मेथी डाल दी थी इस वक्त, क्योंकि इस टाइम कसूरी मेथी डाल देते हैं तो उसका ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और बस इधर मैं इसके अंदर मैंने आलू लिए थे, आधा किलो के करीब मेरे आलू हैं, और जिनको मैंने आपने देखा होगा कि छिलकों के साथ ही डाला है। आपने देखा होगा हलवाई स्टाइल की, जब भी आप जैसे कभी हलवाई सब्जी बनाते हैं तो उसमें आपने ज़रूर देखा होगा कि वो छिलकों वाले आलू की सब्जी बनाते हैं। कभी भी आप मार्केट में पुरानी दिल्ली में खाएंगे ना, तो आपको बेड़मी या कचौरियों के साथ जो सब्जी मिलेगी उसमें छिलका होता ही होता है। तो ये मैं छिलकों के साथ मैंने आलू ले लिए, इनको बहुत अच्छे से धो लिया था। अगर आपको छोटे वाले आलू मिले ना, और अगर आप उसकी सब्जी बनाएं, तो उसका तो टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है। अगर वो मिल जाए तो आप उसके साथ भी बना सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, बड़े आलू के साथ आप बनाइए। उनको बारीक बारीक काट लीजिए, बहुत मोटा मोटा नहीं काटिए। और देखिए, मैं यहाँ पैन के अंदर बना रही हूँ, आप इसको कुकर के अंदर भी बना सकते हैं। तो आप कुकर में बनाएंगे तो उसके अंदर आप कम से कम 4 से 5 सीटियां होने दें, और बस उसके बाद उसका जब प्रेशर रिलीज़ होगा तो आपकी सब्ज़ी बन जाएगी। यहाँ मैंने इसमें भी थोड़ा सा धनिया डाल दिया था, क्योंकि धनिया इस टाइम भी डालते हैं ना, जब वो तेल और सब्ज़ी और मसाले के साथ भुनता है तो एक अलग ही फ्लेवर देता है। और अब यहाँ मैं 1 से 1.5 कप के करीब जो है ग्लास के करीब पानी डाल रही हूँ यहाँ पर, और इसको अब मैं थोड़ा सा मीडियम से लो के ऊपर, एक बार तेज़ इसको उबाल आने दूँगी, पर मीडियम से लो के ऊपर 20 मिनट के करीब मैं इसको ढक दूँगी। मैं कमर्शियल किचन में बनाती हूँ तो थोड़ा सा मुझे प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर कुकर हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, आप घर में प्रेशर कुकर में बनाइए। और देखिए, यहाँ मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची भी डाल दी थी टेस्ट के लिए। और बस अब मैंने जब अपना लेट खोला तो देखिए मेरे आलू कितने बढ़िया गल चुके थे, और जो थोड़ी सी कसर थी वो मैं कलछी से या आप जो मैशर होता है उससे गला कर इसको ले लें तो बहुत बढ़िया बनता है। और अब आपने देखा होगा हलवाई की जो सब्ज़ी होती है ना, उसमें थोड़ा सा हींग का फ्लेवर आता है, एक डिफरेंट सा। तो वो इस टाइम ना कच्ची हींग ऊपर से ज़रूर डालते हैं, तो आप कच्ची हींग थोड़ी सी डालिए, थोड़ा सा धनिया डालिए, अमचूर डालिए, थोड़ी हरी मिर्चें काट कर डाल दीजिए, और साथ में कसूरी मेथी को हाथ में से मसल के दोनों हथेलियों से और फिर डालें तो उसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। और अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है धनिया, और बस मेरी सब्ज़ी बढ़िया सी बनके तैयार हो गई है। आप बस इस सब्ज़ी को परोसिए, चाहे इसे बेड़मी के साथ खाएं, चाहे कचौरी के साथ खाएं। पिछली बार मैंने आपसे कहा था ना कि कचौरी की सब्ज़ी मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी, तो बस ये वही सब्ज़ी है। आप इसे कचौरी के साथ खाएं, पूरी के साथ खाएं, बेड़मी के साथ खाएं, और बस इसको बनाइए, खाइए फटाफट। और पता है ये तो सिर्फ 5 मिनट में बन जाती है। अभी तो मैंने इसको इसमें बनाया, पैन में तो थोड़ा सा टाइम लगा, कुकर में बनाया तो झटपट 5 मिनट में, आपके मेहमान आए झट से इसे बनाइए। तो चलिए फिर इसको एंजॉय कीजिए। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।